पूरी दुनिया बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते क्यों हैं। कोई बात नहीं, बाप को, दादा को, भाई को, सबको बताएगा अपुन। आप सबको पता ही है कि बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। उन्होंने इस विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी जैसी प्रमुख डिग्रियां हासिल की। 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना को 250 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने 250 वर्षों के विश्व के 100 सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ छात्रों की लिस्ट बनाई। और पता इस लिस्ट में पहला नाम किसका आया, गेस कीजिए। आपने बिल्कुल सही गेस किया, इस लिस्ट में पहला नाम बाबा साहब का था। वैसे तो बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय बाबा साहब को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सम्मानित करता है।